किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के छात्रों की सुरक्षा को लेकर मोहन यादव सरकार ने चिंता जताई है। सीएम मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे प्रदेश के छात्रों से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। किर्गिस्तान में हुई हिंसा के बाद वहां रह रहे मध्य प्रदेश के छात्र सहमे हुए हैं। छात्रों और उनके परिजनों की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों से फोन पर बात की। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर परीक्षा के बाद उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर वो मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन से बात कर सकते हैं, राज्य सरकार को भी सूचना दे सकते हैं। इस पर तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1200 पूरे देश से लगभग 30,000 विद्यार्थी किर्गिस्तान में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रोहित पंचाल, रवि सराठी और विवेक शर्मा से बात की तथा उनके अन्य साथियों के बारे में भी हालचाल पूछे। मेरी जानकारी में लाया गया कि किर्गिस्तान में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं वहाँ पाकिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों से कुछ झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान के बच्चे घायल हुए। इस आधार पर भारत के बच्चों को भी चिंता हुई। मैंने अपनी तरफ से अभी वहाँ के बच्चों से भी बात की है, उज्जैन, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, अन्य स्थानों के बच्चों से मेरी बात हुई है और वो एक तरह से सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क करते हुए हम लोग किर्गिस्तान की सरकार से भी संपर्क में हैं, उनको वहाँ सुरक्षा प्रॉपर मिली हुई है। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारे 1200 ज़्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं और सब सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।